आज हम करेंगे लेसन नंबर 9 अप यू गो। 2 फरवरी 1984, कब की बात है ये? 2 फरवरी 1984 की। माउंटेनियरिंग कैंप, क्या है ये? माउंटेनियरिंग कैंप के बारे में बताया गया है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कैंप। किस इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रहे हैं? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? उत्तरकाशी में। कहाँ सिचुएटेड है? उत्तरकाशी में। वी वर एट द माउंटेनियरिंग कैंप एंड वर वेरी एक्साइटेड। हम माउंटेनियरिंग कैंप में थे और बहुत ज्यादा उत्साहित थे, एक्साइटेड, उत्साहित। 20 ऑफ अस वर टीचर्स फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय। हम लगभग कितने टीचर थे? 20, ठीक है। देयर वर अदर वुमेन फ्रॉम बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूट। वहां पर कुछ और औरतें भी थी जो बैंक्स और दूसरे इंस्टीट्यूट से थी। टूडे वॉज द सेकेंड डे ऑफ द कैंप। आज कौन सा दिन था? सेकेंड डे था कैंप का। इन द मॉर्निंग एज आई गोट आउट ऑफ बेड, सुबह जैसे ही मैं बेड से उतरी, एंड पुट माई फुट डाउन, और अपना पाँव मैंने नीचे की तरफ रखा, आई स्क्रीम्ड इन पेन। स्क्रीम मतलब चिल्लाना। मुझे बहुत दर्द हुआ और दर्द से मैं चिल्लाने लगी। आई रिमेम्बर्ड यस्टरडे, मुझे कल का दिन याद आ गया। 26 किलोमीटर वॉक विद द हैवी रक्सक ऑन माय बैक। मेरी पीठ पर, बैक यानी पीठ, मेरी पीठ पर क्या था? 26 किलोमीटर हम चले थे और भारी बैग था। आई वॉज अफ्रेड टू गो आउट टू दैट स्टीप क्लाइंब एंड द रफ नैरो पाथ। मैं जो है दोबारा से उस तीखी चढ़ाई पर और छोटे रास्ते पर जो उबड़ खाबड़ था उस पर जाने से डरती थी। With tears in my eyes, I started walking slowly towards the room of Brigadier Gyan Singh. अपनी आंखों में आंसू लिए मैं धीरे धीरे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह की तरह के रूम की तरफ चलने लगी। द डायरेक्टर ऑफ अवर एडवेंचरस कोर्स। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह कौन है? हमारे किसके? माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के क्या है? वो हेड है, डायरेक्टर है। क्या है वो? डायरेक्टर है। कौन है बच्चों? वो डायरेक्टर है। आई वॉज थिंकिंग ऑफ वट आई वुड से टू एक्सक्यूज। मैं सोच रही थी कि मैं उन्हें क्या एक्सक्यूज दूंगी ताकि मैं आज ना जा सकूं। सडनली आई हर्ड हिज डीप वॉइस फ्रॉम बिहाइंड। अचानक मुझे उनकी भारी आवाज पीछे से सुनाई दी। मैडम व्हाट आर यू डूइंग हियर एट ब्रेकफास्ट टाइम। मैडम ब्रेकफास्ट के समय में आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? हरी अप, जल्दी कीजिए, अदरवाइज यू विल हैव टू ट्रैक ऑन एन एम्प्टी स्टमक। अदरवाइज आपको क्या होगा? ट्रैक पर जाने के लिए खाना नहीं मिलेगा, खाली पेट आपको जाना पड़ेगा। सर सर आई कुड नॉट से एनी मोर। मैं उन्हें कुछ और नहीं कह सकी। यू हैव कम टू टेल मी, तुम मुझे यह बताने आई थी दैट यू हैव ब्लिस्टर्स ऑन योर फीट, कि तुम्हारे पैर में गांठें पड़ गई हैं, दैट यू कैन नॉट वॉक, और तुम चल नहीं सकती। ऐठन होना या गांठें पड़ना, ब्लिस्टर मीन्स ऐठन होना या गांठें पड़ना। इज नो इट, क्या ऐसा नहीं है? यस सर, ऐसा ही है। दैट इज नथिंग न्यू, यह कोई नया नहीं है। नाउ गेट रेडी क्विकली, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। किसने कहा? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने। उन्होंने क्या कहा? कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, ठीक है। आई हंग ऑन माई हेड एंड रश्ड बैक टू गेट रेडी। मैंने सोचना बंद किया और जल्दी से तैयार होने के लिए पीछे भागी। आई हैड जस्ट टर्न व्हेन आई हर्ड हिज वॉइस अगेन। जैसे ही मैं पीछे मुड़ी मुझे उनकी आवाज दोबारा से सुनाई दी। लिसन मैडम, मैडम सुनिए, यू विल लीड ग्रुप नंबर 7। आप किसको लीड करोगी? ग्रुप नंबर 7 को लीड करोगी, यानी उसकी लीडर हो। यू विल हैव टू हेल्प एनी मेंबर हु हैज डिफिकल्टी इन क्लाइंबिंग द माउंटेन्स। तुम्हें हर उस व्यक्ति की सहायता करनी होगी जिसे चढ़ने में मुश्किल आती है। यू हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए ग्रुप लीडर इन द माउंटेन। माउंटेन्स में ग्रुप लीडर के क्या क्या उत्तरदायित्व है इसके बारे में तुम्हें पहले ही बता दिया गया है। टेल, अब आप हमें बताइए, हैव यू एवर सीन द माउंटेन्स, क्या तुमने कभी माउंटेन्स देखे हैं? हैव यू ऑल्सो क्लाइम्ड ए माउंटेन, क्या तुम कभी माउंटेन्स पर चढ़े हो? हैव यू एवर सीन, यस आई हैव सीन द माउंटेन्स। देखिए इसको काट देंगे हम, यहाँ की जगह क्या आ जाएगा? यस आई हैव
सीन द माउंटेन्स सेकेंड हैव यू आल्सो क्लाइम्ड ए माउंटेन क्या तुम कभी माउंटेन पर चढ़ी हो व्हेन एंड वेयर कब और कहाँ लिखिए यस आई हैव आल्सो क्लाइम्ड यस आई हैव आल्सो क्लाइम्ड during our trip to किसी भी स्टेट का जहां पे माउंटेन से हम लिख सकते हैं हम हिमाचल की बात कर देते हैं टू हिमाचल प्रदेश टू हिमाचल प्रदेश ठीक है बच्चों फर्स्ट लाइन क्वेश्चन है हमारा हैव यू एवर सीन द माउंटेन्स यस आई हैव सीन द माउंटेन सेकेंड हैव यू आल्सो क्लाइम्ड ए माउंटेन यस आई हैव आल्सो क्लाइम्ड थर्ड व्हेन एंड वेयर ड्यूरिंग अवर ट्रिप टू हिमाचल प्रदेश हाउ फार हैव यू वॉक्ड एट वन टाइम हाउ फार कैन यू वॉक एक बार में आप कितना चले थे यू किस में चेंज हो जाएगा बच्चों आई में ठीक है क्या हो जाएगा आई हैव वॉक्ड एज इट इज हाउ का अर्थ आएगा यहाँ पे हाउ का क्वेश्चन का हम आंसर देंगे 2-3 किलोमीटर एट वन टाइम अब सेकेंड हाउ फार कैन यू वॉक आई कैन वॉक कितना चल सकते हो आप ये पूछ रहे हैं वो आई कैन वॉक अप टू 20 किलोमीटर कितना चल सकते हैं हम 20 किलोमीटर What do you think about the paths on the mountains? Mountains में path कैसा होता है आप क्या सोचते हो इसकी एक picture बनानी है बच्चों कोई भी picture आप mountains की बना सकते हैं zigzag way में इस तरह से नीचे आप mountains दिखा सकते हैं ठीक है कोई भी अच्छी सी net से picture लेके आप कोई भी draw कर सकते हैं इस तरह से नेक्स्ट आता है हमारा बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट ए लीडर मस्ट डू मैं यह सोचने लगी कि एक लीडर को क्या क्या करना चाहिए फर्स्ट इज हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों दूसरों की उनके बैग को उठाने में सहायता करनी चाहिए लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट ग्रुप को आगे चलने देना चाहिए और खुद पीछे रहना चाहिए हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइम प्रॉपरली उन लोगों की सहायता करनी चाहिए जो अच्छे से ऊपर चढ़ नहीं सकते फाइंड ए गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट एक ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ पे आराम किया जा सके लुक आफ्टर दोज Who are not well, उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप ग्रुप के लिए खाने पीने की अरेंजमेंट करना द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू बी रेडी टू बी पनिश्ड इवन वेन समवन एल्स मे हैव मेड ए मिस्टेक कि ग्रुप के किसी भी मेंबर ने मिस्टेक की है फिर भी किसको मिलेगी पनिशमेंट आपको मिलेगी उसके लिए क्या रहना चाहिए रेडी तैयार रहना चाहिए हमेशा आई रियलाइज दैट देयर वाज ए स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन हियर मुझे हमेशा लगा कि यहाँ एक स्पेशल तरह का डिसिप्लिन है आई वंडर्ड वेदर द कैंप विल स्टिल बी फन मुझे आश्चर्य था क्या कैंप अभी भी एक फन मनोरंजन हो सकता है
या नहीं। तो उसे ये मनोरंजन जैसा नहीं लग रहा था, उसे फन जैसा नहीं लग रहा था, उसे जो है ये कैसा लग रहा था, जैसे कि कोई सजा दी जा रही हो। नेक्स्ट आता है बच्चों ग्रुप नंबर 7। ग्रुप नंबर 7 इंक्लूडेड गर्ल्स फ्रॉम आसाम। ग्रुप नंबर 7 में कहाँ कहाँ की गर्ल्स थी? आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। 5 स्टेट की जो थी, ये 5 स्टेट हम मैप पे भी करेंगे। आई वॉज द ओनली टीचर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय इन दिस ग्रुप। इस ग्रुप में केवल मैं ही केंद्रीय विद्यालय की टीचर थी। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई न्यू ग्रुप मेंबर्स। मैं अपने ग्रुप के नए मेंबर से मिलकर बहुत खुश थी। मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट स्पीक हिंदी एज वेल। उनमें से काफी हिंदी अच्छे से नहीं बोल सकते थे। I still feel bad that after being together for 20 days, I could not talk even once with Khon Dombi from Mizoram. कि मुझे बुरा लग रहा था 21 दिन साथ रहने के बाद भी मैं Khon Dombi जो मिजोरम से आई थी उससे बातचीत नहीं कर सकी। She spoke only Mizo. कौन सी लैंग्वेज जानती थी वो बच्चों? मिजो लैंग्वेज। But in our hearts we grew close to each other. लेकिन हम एक दूसरे को बहुत ज्यादा दिलों से पसंद करने लग गए थे। उसके बाद आता है टेल व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए ग्रुप लीडर। एक ग्रुप की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं? अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने पढ़ी हैं बच्चों पिछले पेज पर हमने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी हैं हमें सभी वही लिखनी है यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक। ठीक है बच्चों, ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी आपको, रेदर यहाँ तक लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये इसका आंसर है हाउ वुड यू फील इफ यू वर मेड ए लीडर इन सच ए ग्रुप। अगर आपको ग्रुप का लीडर बना दिया जाए तब आपको कैसा लगेगा? अगर ग्रुप का लीडर बना दिया जाए तब आपको कैसा लगेगा, ये आपको बताना है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? आई वुड फील हैप्पी। आई would feel fortunate, bhagyashali and happy. And would be happy. Full stop. What does a monitor in your class have to do? Monitor जो आपकी क्लास में होता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज अ मॉनिटर हैज सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी responsibilities like leader leader की तरह की उसकी responsibilities होती है। clear है बच्चों? जैसे leader की responsibilities होती है उसी तरह से किसकी होती है? monitor की होती है। would you like to be class monitor? why? Yes, I would like to be class monitor this is a challenging why का अर्थ क्या दोगे? This is a challenging CHA double L
ENGING challenging task for me. Next is crossing the river. River को cross करना. We got vitamin C, iron tablet and hot chocolate milk with our breakfast. हमने विटामिन सी, आयरन टैबलेट और हॉट चॉकलेट मिल्क जो है अपने ब्रेकफास्ट में लिया था. दीज वर गिवन फॉर स्ट्रेंथ, ये हमें शक्ति देने के लिए दिए गए थे ताकि हम ठंड में भी गर्म रहें. एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी ए मेडिकल चेकअप, हर सुबह हमारा मेडिकल चेकअप होता था. वी टाइड अवर बैंडेजेस एंड काउंटेड द डेज लेफ्ट, हम अपने बैंडेजेस को बांधते थे और कितने दिन रह गए हैं इसे गिनते थे. आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रैक वी रीच्ड ए रिवर, 8 किलोमीटर चलने के बाद हम एक रिवर पर पहुंचे. देयर वाज ए थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर, वहां एक मोटी रस्सी रिवर के एक किनारे से दूसरे किनारे पर बांधी हुई थी. द रोप वाज टाइटली फिक्स्ड टू पैक्स और पिस्टन्स ऑन बोथ द साइड्स, रिवर की दोनों साइड पर कीटलों के द्वारा ये जो है अच्छे से टाइटली फिक्स की गई थी. आई वॉज फीलिंग नर्वस, मैं नर्वस फील कर रही थी. आई स्टार्टेड थिंकिंग वट वुड हैपन, मैं सोचने लगी क्या होगा इफ द रोप केम आउट, अगर रस्सी टूट जाए. आई वॉज ट्राइंग टू एस्टिमेट हाउ वाइड द रिवर वॉज, मैं यह कोशिश मापने की कर रही थी कि रिवर कितनी चौड़ी है. ये आपको बच्चों दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे जो है ये रिवर से जो है लटकी हुई है. ठीक है, ये केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका है, ये जो है एक किनारे से दूसरे किनारे जाने की कोशिश कर रही है. आवर इंस्ट्रक्टर टाइट ए रोप अराउंड द वेस्ट एंड पुट ए स्लिंग, स्लिंग किसे कहते हैं, हुक को इन इट. हमारे इंस्ट्रक्टर ने एक रोप जो है अपनी कमर के चारों ओर बांधी हुई थी और एक हुक से बांधा हुआ था, ये टंगी हुई थी. He then put the sling on the thick rope tied across the river. ये जो sling है, sling बच्चों इधर देखिए, ये चीज sling है जो हुक है. ठीक है, और ये कमर से रस्सी बंधी हुई है, ये दिखाई दे रही है. ये जो है उसने मोटी रस्सी जो रिवर के दोनों तरफ बंधी हुई थी उसमें sling डाल दी. Walking through the icy water, icy यानी ठंडा पानी. He went to other side, वो एक तरफ से दूसरी तरफ चला गया. नो वन वॉज रेडी टू स्टेप इन टू द फास्ट फ्लोइंग वाटर, इतनी तेज बहते हुए पानी में कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं था. एवरी वन वॉज पुशिंग ईच अदर टू गो फर्स्ट, हर एक व्यक्ति एक दूसरे को आगे धकेल रहा था ताकि वो पहले जाए. आई स्टूड लास्ट इन द लाइन होपिंग दैट नो वन वुड सी मी, मैं लाइन में सबसे पीछे खड़ी थी और ये आशा कर रही थी कोई मुझे नहीं देख रहा. जस्ट देन आवर इंस्ट्रक्टर केम नियर मी, तभी हमारा इंस्ट्रक्टर मेरे पास आया. विद द स्लिंग, अपने हाथ में स्लिंग लिए एंड रोप इन हिज हैंड, और रस्सी को हाथों में लिए हुए. आई न्यू देर वॉज नो एस्केप नाउ, अब मुझे पता था मैं बच नहीं सकती. आई वॉज रेडी, मैं तैयार थी. बट डिड नॉट हैव द करेज, लेकिन मेरे अंदर साहस नहीं था. सर कुड गेस माई फियर, सर मेरे डर का अनुमान लगा सकते थे. ही कॉल्ड आउट लाउडली, उन्होंने जोर से बोला, 3 cheers फॉर संगीता मैडम, संगीता मैडम के लिए 3 cheers कीजिए. एंड बिफोर आई न्यू इट, और इससे पहले कि मैं कुछ समझती, समवन हैड जेंटली पुश्ड मी इनटू द वाटर, किसी ने आराम से मुझे पानी में धकेल दिया. आई फेल्ट एज इफ माई फीट वर फ्रोजन, मुझे लगा जैसे मेरे पांव जम गए हों. क्यों जम गए बच्चों, क्योंकि पानी की क्या था, बहुत ज्यादा ठंडा था. हमने अभी पढ़ा पानी कैसा था, आइसी कोल्ड था, आइसी वाटर यहाँ पढ़ा ना हमने बच्चों. आई स्टार्टेड शिवरिंग, मैं जो है कांपने लगी. माई टीथ वर चैटरिंग, मेरे दांत जो है बजने लगे, उनसे आवाजें आने लगी. जब हमें डर लगता है, हम ठंड से कांपते हैं, हमारे दांत जो है ऊपर नीचे होने लगते हैं, बजने लगते हैं, उसे कहते हैं टीथ चैटरिंग. आई कॉट होल्ड द रोप एंड स्टार्टेड पुटिंग माई फीट फर्मली ऑन द रिवर बेड, मैंने जो है अब रस्सी को पकड़ लिया और धीरे धीरे उसके किसके ऊपर,
रिवर के पानी के ऊपर चलने लगी। एज आई वॉक्ड फर्दर इन, जैसे मैं थोड़ी दूर चली, द रिवर गॉट डीपर, जो नदी थी वो गहरी होती चली गई, एंड स्लोली द वाटर रीच्ड इन टू माई नेक, और धीरे धीरे पानी जो है मेरी गर्दन तक पहुंच गया। इन द मिडल ऑफ द रिवर, नदी के मध्य में आने पर आई लॉस्ट माई बैलेंस, मैं अपना संतुलन खोने लगी, एंड स्टार्टेड स्लिपिंग, और फिसलने लगी। आई सा सो स्केर्ड, मैं बहुत डर गई थी, एंड फेल्ट सो कोल्ड, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, दैट द रोप स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड, कि जो रस्सी थी वो मेरे हाथों से फिसलने लगी। आई स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प, मैं मदद के लिए चिल्लाने लगी। किसके लिए चिल्लाने लगी? मदद के लिए। आई वॉज श्योर आई वुड बी कैरिड अवे बाय द रिवर, मुझे लगा कि रिवर के पानी के द्वारा मैं बहा ली जाऊंगी, बट नो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आई फाउंड दैट आई वॉज टाइड विद द रोप टू द स्लिंग, मैंने पाया कि मैं जो है जो स्लिंग के साथ रोप बंधी हुई थी उसके साथ मैं बंधी हुई थी। होल्ड द रोप, होल्ड द रोप, रस्सी को जोर से पकड़ो, रस्सी को जोर से पकड़ो। आई कुड हियर द शाउट्स, मैं ये चिल्लाने की आवाजें सुन सकती थी। आई समहाउ मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ द रोप, मैंने फिर भी किसी तरह रस्सी को पकड़ने की कोशिश की, एंड पुल माई सेल्फ फॉरवर्ड, और अपने आप को आगे की तरफ धकेलना शुरू किया। स्लोली बट सम करेज, धीरे धीरे लेकिन कुछ साहस के साथ, आई रीच द रिवर बैंक, मैं बैंक के किनारे पर पहुंच गई, मैं नदी के किनारे पर पहुंच गई। आई फेल्ट ए स्पेशल काइंड ऑफ हैप्पीनेस, मुझे एक विशेष तरह की जो है विशेष तरह की खुशी महसूस देने लगी जैसे ही मैं पानी से बाहर आई। हैप्पीनेस ऑन फिनिशिंग ए चैलेंजिंग टास्क, एक चैलेंजिंग टास्क को खत्म करने की खुशी मेरे चेहरे पर झलक रही थी। नाउ स्टैंडिंग ऑन द बैंक, अब जो है किनारे पर मैं खड़ी थी। आई वॉज कॉलिंग आउट टू द अदर्स टू होल्ड द रोप टाइटली, अब मैं दूसरों को रस्सी को कस के पकड़ने के लिए कह रही थी। आई न्यू दैट दिस कॉन्फिडेंस वॉज ए रिजल्ट ऑफ फेसिंग ए चैलेंज विथ करेज, मैं जानती थी ये जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया है ये एक चैलेंज को साहस के साथ फेस करने के कारण आया है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे दिखाई दे रहा है किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाया जा रहा है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, इसी तरह के और वीडियोस जो है आप समय समय पर देखते रहिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए श्रीजा एजुकेटर्स को। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।